वैशाख मास महात्म्य 17वां अध्याय। राजा श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्रुतिदेव जी अति प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। यह वैशाख के धर्म संबंधी कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहां ना कोई मनुष्य था ना ही जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर वहां आया। उस व्याध ने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर उन्हें बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पैर धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहां पीने को जल तक नहीं था। पाँव जलने से वह बहुत व्याकुल होकर बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और वह सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए, अतः उसने उस ब्राह्मण को जिसके पाँव धूप से जल रहे थे उन्हें अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है इससे तेरे पुण्य उदय हो आए है, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला कि हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्रदान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान धर्म या यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस वैशाख मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में दैव योग से देवकल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और वे सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त
उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म इस दुष्ट योनि में क्यों हुआ, अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, हे निष्पापो सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे कि मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल नाम के दो पुत्र हुए, शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि, जो संपूर्ण धर्मों के जानने वाले हैं, वे कहने लगे कि हे पुत्रो, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया तथा कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमें शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दैव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना, उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कहकर वे दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंककर कृपालु निस्पृह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा।